दिख रहा है बेटा सभी को? हाँ सर दिख रहा हाँ है सर, क्लियर दिख सर। रहा। क्लियर दिख रहा है आप? चलो बदमाशी नहीं, चलो आ जाओ। टेन ए प्लस बी में, ए प्लस बी में यहीं पर थे ना अभी हम लोग? हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर, ए और बी रहेगा तो पहला ए तो लिखेंगे टेन ए, प्लस का साइन है तो यहाँ प्लस, बी तो लिखेंगे टेन बी। डिनोमिनेटर में लिख दिए, अब लिखेंगे डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? पहले वन, नॉमिनेटर में यहाँ प्लस का साइन दिए हैं तो डिनोमिनेटर में माइनस होगा। अब फिर इसी दोनों को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, सिक्स, टेन ए माइनस बी। तुम लोग बताओ ए माइनस बी कैसे लिखेंगे? टेन ए टेन माइनस टेन माइनस बी टेन बी बी टेन बी वन प्लस टेन जी। पहला ए तो लिखेंगे यहां पर टेन ए, यहां माइनस का साइन है तो यहां भी माइनस, बी है तो लिखेंगे टेन बी। नॉमिनेटर का काम खत्म, आप लिखेंगे डिनोमिनेटर है, पहले लिखेंगे यहाँ वन, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस, और इसी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, टेन ए इंटू टेन बी। क्लियर? हाँ सर, बोलो। हाँ सर, सेवन नंबर, हाँ सर ठीक है। सेवन नंबर, कॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी। आप देखो कॉट में कैसे लिखते हैं, यहाँ ध्यान से थोड़ा सा समझना है, कॉट में थोड़ा सा समझना, कॉट में कैसे लिखेंगे? देखो कॉट में फर्स्ट एंगल और सेकंड एंगल है, फर्स्ट एंगल ए सेकंड एंगल बी, तो कॉट में कैसे लिखते हैं? पहले डिनोमिनेटर में लिखेंगे, डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? पहले सेकंड एंगल है तो लिखेंगे यहाँ कॉट बी, और फिर प्लस फर्स्ट एंगल ए है तो लिखेंगे कॉट ए, यहाँ प्लस का साइन था इसलिए यहाँ प्लस दिए। पहले क्या लिखेंगे? सेकेंड एंगल बी, तो कॉट बी फिर प्लस कॉट ए, कहां पर? डिनोमिनेटर में। आया समझ में? पहले क्या हाँ लिखेंगे? सर, ए और बी, हाँ सर, हाँ दो एंगल में जो सेकेंड एंगल रहेगा, ध्यान देना जो सेकेंड एंगल रहेगा उसको लिखेंगे पहले कॉट बी फिर प्लस कॉट ए, और नॉमिनेटर में क्या करेंगे? इसी दोनों को पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर देना, कॉट बी इंटू कॉट ए, इसी दोनों को यहाँ मल्टीप्लाई कर देना। अब डिनोमिनेटर में प्लस है तो नॉमिनेटर में माइनस लिखेंगे, और यहाँ पर वन। क्लियर? बोलो, हाँ सर, आया समझ में? हाँ, लास्ट वन, एट नंबर, कॉट ए माइनस बी। बताओ तुम लोग कैसे लिखेंगे कॉट ए माइनस बी? लिखो तुम लोग, देखे लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है। कॉट बी इनटू कॉट ए प्लस वन बी, अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। कॉट ए ठीक। पहले सेकंड एंगल बी, इसको लिखेंगे डिनोमिनेटर में कॉट बी, या माइनस है तो लिखेंगे माइनस, फिर फर्स्ट एंगल कॉट ए, डिनोमिनेटर में लिख लिए। आप कहाँ लिखेंगे? नॉमिनेटर में। नॉमिनेटर में कैसे लिखते हैं? इसी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, पहले लिखेंगे कॉट बी कॉट इंटू कॉट ए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ माइनस है तो नॉमिनेटर में प्लस लिखेंगे, डिनोमिनेटर में माइनस है तो नॉमिनेटर में प्लस, और यहाँ देखें साइन वन का वन, ये हो गया कॉट का। आया समझ में? हाँ हाँ सर, 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 ये हमारा क्या था? कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला। क्लियर है? बोलो। सर, हाँ हाँ सर, सर, यस सर। चलो हटा दे इसको, नोट कर लिया सभी बच्चे? हाँ हाँ सर, 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 हाँ सर, हो गया। चलो ठीक है। गौरव है क्या? हाँ हाँ सर, सर, समझ में आ रहा बेटा? हाँ समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है, एकदम समझना है, एकदम आराम से, परेशान नहीं होना है, ठीक है? समझने की कोशिश करना। चलो आ जाओ। अब देखो क्वेश्चन कैसे, एक दो एग्जांपल उठाते हैं इसी पर। अब जैसे हमसे पूछेगा साइन 15 डिग्री बताइए, साइन 15 डिग्री,
बोलेगा साइन 15 डिग्री बताइए 15 डिग्री। अब देखो 15 डिग्री को हम रिडक्शन हिसाब से बनाओगे तो थोड़ा सा वहां पर पेचा हो जाएगा, वहां पर थोड़ा सा दिक्कत है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 15 डिग्री को हम क्या करते हैं, 15 डिग्री को लिख देते हैं 45 डिग्री और माइनस 30 डिग्री। बोले लिख सकते कि नहीं, 45 में से 30 जाएगा तो क्या जाएगा 15, बोलो होगा 15, 45 में से 30 जाएगा तो 15 हो जाएगा 15। तो हम इस 15 डिग्री को लिख देते हैं साइन 45 माइनस 30, 45 में से क्या किए 30 को माइनस कर दिए। अब हमको क्या सोचना है कि ये जो 45 है ये हमारा ए है और ये जो 30 है ये हमारा बी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, साइन ए माइनस बी, याद आया जस्ट अभी लिखा है, साइन ए माइनस बी। इस 45 को ए मानेंगे और 30 को मान लेंगे बी, मानेंगे क्या 45 ए है और 30 हमारा बी है, तो क्या हो जाएगा साइन ए माइनस बी। फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी, अब फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस, कॉस ए इंटू साइन बी। बोलो लिखा है कि नहीं लिखा है, अभी लिखे तो यहां से फिर हाँ ये इक्वल है, हाँ तो यहाँ पे इक्वल का साइन, तो इसको भी ए और बी, इसको ए मान रहे हैं इसको बी मान रहे हैं मन में, ठीक है। फॉर्मूला यही वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये ए और ये बी, तो क्या जाएगा साइन ए, ए के जगह में कितना है 45 और कॉस बी, बी के जगह में कितना है 30, माइनस का साइन है तो माइनस, फिर लिखेंगे क्या कॉस ए, ए कितना है 45 तो कॉस 45, साइन कितना है 30 तो 30। अब देखो 45 30 का रिजल्ट याद है, साइन 45 वन बाई रूट टू, कॉस 30 रूट 3 बाई टू, माइनस है तो माइनस का साइन, कॉस 45 वन बाई रूट टू, साइन 30 वन बाई टू। अब क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, वन को रूट थ्री को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे रूट थ्री, टू रूट टू दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो क्या जाएगा टू रूट टू, माइनस है तो माइनस का साइन, वन वन मल्टीप्लाई हुआ वन और टू और रूट टू मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया टू रूट टू। बोलो हुआ यहाँ तक आया समझ में, कैसे किए बोलो सर, सर एक बार रिपीट करो, कौन सा स्टेप लास्ट वाली अभी लिखी हो, ठीक अभी जो लिखे ठीक, यहाँ है वन बाय रूट टू और रूट थ्री बाय टू, बेटा ये फ्रैक्शन के फॉर्म में है तो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कैसे करते थे, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, तो रूट थ्री हमारा वन से मल्टीप्लाई हुआ था रूट थ्री और टू रूट टू से मल्टीप्लाई हुआ था टू रूट टू, नहीं हुआ गजब कर दिया तुम लोग, वन को वन से किए थे वन और टू को रूट टू से किए थे टू रूट टू। तो इसमें समझने और नहीं समझने वाली बात क्या है, आया समझ में, चलो चलो सब बहादुर बच्चा सब है। अब देखो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा टू रूट टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्या हो गया टू रूट टू। अब बेटा जब डिनोमिनेटर सेम रहता था एलसीएम लेते थे तो नॉमिनेटर सेम टू सेम होता था ना, यहाँ नॉमिनेटर क्या है रूट थ्री, यहाँ हो गया रूट थ्री और यहाँ क्या है वन, यहाँ माइनस लगा तो माइनस वन, तो ये क्या हो गया हमारे आंसर कितना का साइन 15 डिग्री रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू, आया समझ में। जल्दी से छापो तुम लोग, हो गया सर, हो गया सर, हाँ सर, ठीक। साइन 15 डिग्री इसको याद भी रखना, साइन 15 डिग्री का रिजल्ट रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू, तो बेटा तुम लोग निकाल देगा हम देंगे तो देखे कौन बहादुर बताता, चलो कॉस 15 निकाल के दिखाओ, देखे कौन बहादुर है निकाल के दिखाता, कॉस 15 निकालो, कितना निकलना सर
कॉस 15, कॉस 15 डिग्री 15, कॉस 15 डिग्री सॉल्व करना है, करो सॉल्व। देखिए कौन बहादुर बच्चा का आंसर आता है सबसे पहले, एक बच्चे ने आंसर बताया। इतने बच्चे में सिर्फ एक बच्चा, जल्दी से फास्ट बेटा तुम लोग भी। रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय टू रूट, वेरी गुड। दो बच्चे का आंसर आया, रूट थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय टू रूट टू, मतलब बाय टू रूट टू। दो बच्चे ने आंसर बताया, रूट थ्री प्लस वन डिवाइड बाय टू टाइम्स रूट टू। सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताना हमको पहले। आ रहा है सर, कुछ कुछ बच्चे होंगे जिनका नहीं आ रहा है, जो कंफ्यूज होगा अभी उससे नहीं हो रहा होगा। देखो बेटा cos 15 डिग्री तो क्या लिखेंगे, 15 को cos 45 - 30, 45 में से 30 माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा, होगा ना। फिर cos क्या करेंगे, 45 में से 30 माइनस। अब देखो cos का फॉर्मूला, देखो हो सकता है अभी तुमको याद नहीं होगा कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला, ए माइनस बी। जब कॉस आता था तो दोनों पहले कॉस में लिखते थे, दोनों एंगल पहले कॉस में लिखते थे, लिखते थे कॉस ए इनटू कॉस बी, और यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ प्लस का साइन लेते थे, और फिर दोनों एंगल को साइन में लिखते थे, लिखते थे साइन ए इनटू साइन बी। अब क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला के हेल्प से इसको ब्रेक कर देंगे। यहां से लिखेंगे क्या, कॉस 45 इनटू कॉस 30, फिर यहां पर क्या था माइनस है यहाँ प्लस हो गया साइन 45 इंटू साइन 30। अब यहां से कॉस 45 वन बाई रूट टू, कॉस 30 रूट थ्री बाई टू, प्लस साइन 45 वन बाई रूट टू, साइन 30 तो वन बाई टू, मल्टीप्लाई करते रूट थ्री वन से तो रूट थ्री, और टू रूट टू से तो टू रूट टू, फिर प्लस वन को वन से वन, टू को रूट टू से तो टू रूट टू, दोनों का डिनोमिनेटर सेम तो क्या हो गया टू रूट टू, नॉमिनेटर सेम टू सेम हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन, तो क्या हुआ रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू। ये क्या आया कॉस 15 डिग्री, बोलो बेटा आया। हाँ सर देखो सभी बच्चे का आ रहा है कि जिनका नहीं आ रहा है नोट करो, दो तीन बच्चे होंगे जिनका नहीं आ रहा है, सभी बच्चे को सीखना है, तो जो मिस्टेक कर रहे थे कहीं गलती कर रहे हो तो वो नोट करो और याद भी रखना है cos 15 डिग्री रूट थ्री प्लस वन बाई टू रूट टू। और साइन 15 रूट थ्री माइनस वन बाई टू रूट टू, हो गया बेटा। हाँ सर। तो लास्ट एक 10-15 बता दो तुम लोग, 10-15 10-15 निकाल के दिखाओ तो 10-15 डिग्री, देखे कौन बच्चा निकाल के दिखाता है 10-15 डिग्री। जल्दी फास्ट, लास्ट वाला लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसका फिर क्लास है ना, किसका क्लास है, केमिस्ट्री है कि फिजिक्स है अभी, केमिस्ट्री है। जल्दी से बताओ 10-15 डिग्री,
क्या बेटा आएगा आज? कृतिका √3 - 1/2 होगा बेटा, कर दिए तुम कमाल, करो जल्दी से सब। 1/2 सही आंसर बताओ, सही आंसर कोई नहीं बताया अभी। 10 15 degree बताओ सही सही। भावने बड़ा मैसेज करता, रिप्लाई दो जल्दी से, आंसर बताओ। देखो कितना टाइम लगेगा बताओ तो। कोई है कि नहीं बच्चे जो 10-15 डिग्री बता देंगे? बोलो आया किसी का? अरे बहादुर तुम लोग, यहाँ देखो 10-15 है, तुम लोग कहाँ दिमाग लगा रहा है? 10-15 को देखो, हम sin 15 और cos 15 अभी निकाल के बैठे हैं, तो 10-15 को देखो, 10 थीटा को बताओ, ये बताओ बेटा कि 10 थीटा को हम sin θ / cos θ लिख सकते हैं? बोलो बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, tan थीटा को sin θ / cos θ लिख सकते हैं। तो 10-15 को हम लिख सकते हैं ना sin 15 / cos 15। और sin 15 जस्ट अभी निकाले हैं √3 - 1/2 √2, और cos 15 जस्ट अभी निकाले √3 + 1/2 √2। दोनों का 2√2 दोनों सेम है, कैंसिल, तो बचा क्या √3 - 1 और भाई क्या √3 + 1। आंसर नहीं हुआ, देखो अब फॉर्मूला सही बनाएगा 10 a - b से भी तो यही आंसर आएगा, √3 - 1 / √3 + 1 यही आएगा आंसर। 10 a - b कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला से भी सॉल्व करेगा तो यही आंसर आएगा। हम डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि sin 15 cos 15 हमको याद है, दोनों रिजल्ट को रख दिए, सॉल्व कर दिए। तो 10-15 कितना आएगा √3 - 1/√3 + 1, बोलो आएगा? यस सर। हाँ सर बेटा यहाँ, हाँ सर वेरी गुड। जहां तक फॉर्मूला सब लिखाए हैं सारे चीज को नेक्स्ट क्लास में रिवीजन करके आएगा, ठीक है? इसके आगे फिर हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे जो बुक में एक्सरसाइज सब में क्वेश्चन दिए हैं, कुछ क्वेश्चन तुमको एक्स्ट्रा भी हम बताते हैं। आज होमवर्क, होमवर्क काहे परेशान हो रहा है, होमवर्क मिलेगा, आज रेस्ट करो ठीक है, और नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री का क्लास करो, नोट करना है किसी को? हो गया सर चलो छापने में तो बेटा तुम सबसे आगे हो, चलो नोट हो गया तो।